नमस्कार, मैं दीपिका रावत और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीतम सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उनके गृह क्षेत्र त्यूनी में। मेरे ठीक पीछे एक होटल है, होटल हिल व्यू। अमूमन होटल भरे रहते थे, पर्यटकों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद अनलॉक का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद भी पर्यटन पूरी तरीके से बंद है, होटल खाली पड़े हैं। होटलों का क्या हाल है और व्यापारियों पर इसका कितना असर है, ये जानेंगे। हमारे साथ एक व्यापारी हैं, होटल के मालिक हैं। मेरे साथ इस वक्त होटल मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? अजब सिंह राव। सर, ये बताइए कि लॉकडाउन हुआ, उसके बाद थोड़ी रियायत दी गई, अनलॉक हुआ, कितना आपके व्यापार में राहत मिली है या कितना नुकसान उठाना है? हमारे व्यापार में तो जब से लॉकडाउन हुआ तब से मुझे तो काफ़ी नुकसान हुआ। अब कहीं राहत मिली है आपका 10-15 दिन से, और थोड़ा काम शुरू हुआ। अब हमारा तो काम भी सारा लेबर का है, और मेरे पास तो करीबन 300 लेबर का, तो 1.5 महीने तक तो वो तो हुआ नुकसान। और ऊपर से जो है राशन भी दर्द खिलाना पड़ा जो है नेपाल की, मेरे पास नहीं बनी हमेशा नेपाल, तो अब उनको घर जाने के लिए अब कहीं शायद खुला है, अब कुछ थोड़े थोड़े करके घर देता हूँ। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि व्यापारियों को राहत मिले? हमें तो कुछ ऐसा लगता है सरकार अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है भाई, जब सरकार के पास हमके पास समझ रहे हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो एक व्यापारी हमारे साथ थे, क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह के कार्यकाल से खुश नज़र आए और संतुष्ट नज़र आए। कहना है उनका कि क्षेत्र में जितना विकास हुआ उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और विधायक जी ने क्षेत्र का पूरी तरीके से ख्याल रखा। मेरे साथ एक किसान भाई हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सरदार सिंह राणा। आप बताइए क्या समस्या किसानों की? ये ऐसा जी, जो हमारे जो इधर क्षेत्र त्यूनी तहसील में ये लगभग कम से कम अरबों का टमाटर है जी। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि कुछ सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाए कि हमारे टमाटर कहीं मंडी तक पहुँचे, उसको सही प्रकार से हमें दाम मिले। गरीब आदमी है, किसान उसी के ऊपर निर्भर है जी। तो बड़े जब हमारी बात होती है तो बड़े परेशान है कि अब क्या होगा, कैसा होगा, अब टमाटर नहीं बिकेगा, क्या खाएंगे, क्या कैसा करेंगे। तो कम से कम अरबों का टमाटर है, तो उसके बारे में थोड़ा सरकार से ये चाह रहा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाए जी। ज़्यादा क्या बोलूँ, जो आपकी फसल होती है सब्जी फल ज़्यादा होती हैं आपके त्यूनी में, मंडी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? देहरादून। आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले DM को खत भी लिखा है इस संबंध में कि सब्जी मंडी यहाँ बनाए। हाँ। इस ओर कितना काम हुआ और आगे क्या आश्वासन मिला? अभी फिलहाल उसको कुछ नहीं हो रखा काम ना जी, बहुत ही कम उसमें स्पीड में चला हुआ काम जी, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर तो जल्दी बन जाए तब तो ठीक था, पर ये इस बार है नहीं वहाँ पर कुछ ऐसी नहीं कि मंडी बन जाए। तो इस बार के लिए अगले बार हो सकता कि बन जाए मंडी जी। और इस बार सरकार से हमारा आग्रह है कि भाई कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए, क्योंकि किसान लोग जो है इसी के ऊपर निर्भर है जी, इसी के ऊपर निर्भर है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया बात करने की के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी इस बात सुनेगी। और त्यूनी एक ऐसा इलाका है जहां पर सब्जी और फल भरपूर मात्रा में उपजाई जाती हैं, एक अच्छा बाजार, एक अच्छी सब्जी मंडी यहां पर बन सकती है, लेकिन इन लोगों को सामान अपना व्यापार करने के लिए और अपनी सब्जी फल लेकर के देहरादून जाना पड़ता है, जिससे इन्हें आर्थिक स्थिति का सामना तो करना ही पड़ता है, इसके अलावा समय की भी बर्बादी होती है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और किसानों को राहत जरूर देगी।